प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं और कैसे उसको डिफाइन करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग फंक्शन के जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है एनी सी प्रोग्राम कंटेन्स एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या मतलब है इसको आपको कहने का कि अगर कोई सी का प्रोग्राम है तो उसमें कितनी भी नंबर ऑफ़ फंक्शंस हो सकते हैं। मतलब ये कोई लिमिट नहीं है कि एक सी प्रोग्राम में मैक्सिमम 10 फंक्शंस होंगे या मैक्सिमम 15 फंक्शंस होंगे। कितने भी फंक्शंस आप अपने प्रोग्राम में फंक्शन में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आप अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इफ़ एनी सी प्रोग्राम कंटेन्स ओनली वन फंक्शन देन इट मस्ट बी अ मेन फंक्शन। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके सी प्रोग्राम में एक ही यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? मेन फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है? ये आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन ही नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि विदाउट मेन प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन इज डिफाइंड इन द ऑर्डर इन विच दे आर डिक्लेयर्ड और कॉल्ड। कहने का क्या मतलब है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन को डिफाइन करें। फंक्शन को डिफाइन मीन्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो उसी ऑर्डर में आप लिखें जिस ऑर्डर में आपने उस फंक्शन को डिक्लेयर किया है या उस फंक्शन को आपने कॉल किया है। तो देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, जो हमने लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये क्या हो गई फंक्शन की, दो फंक्शन लिए मैंने एफ, तीन फंक्शन है एफ जी और मेन। तो ये क्या है एफ और जी की डिक्लेरेशन, एफ और जी की क्या हो गई डिक्लेरेशन। ठीक, ये चीज़ क्या हो गई जो आपने यहाँ पे लिखी है, ये हो गई दोनों चीज़ें फंक्शन की कॉलिंग, और ये चीज़ हो गई दिस वन एंड दिस वन इज अ फंक्शन की डेफिनेशन। पहली है फंक्शन जी की डेफिनेशन, फिर है फंक्शन एफ की डेफिनेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एग्जांपल को देखें तो आपने डिक्लेरेशन में क्या किया है, पहले आपने फंक्शन एफ को डिक्लेयर किया है, फिर आपने फंक्शन जी को डिक्लेयर किया है। सिमिलरली जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो आपने किस ऑर्डर में कॉल किया, पहले आपने फंक्शन एफ को कॉल किया है, फिर फंक्शन जी को कॉल किया है। लेकिन जब आपने फंक्शन की डेफिनेशंस लिखी तो आपने क्या करा, पहले आपने जी को कॉल किया, फिर आपने एफ को कॉल किया। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन को हम उस ऑर्डर में डिफाइन करें जिस ऑर्डर में हमने उनको डिक्लेयर या कॉल किया है। इस ये एक एग्जांपल से आपको ये भी समझ में आएगा एक्चुअल में आपका जब आप फंक्शन का यूज़ करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ये एक एग्जांपल से आपको वो चीज़ भी क्लियर होगी। तो मैंने कहा था प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन से। तो पहले क्या होगा, ये आपका मॉनिटर है। सबसे पहले आपने यहाँ पर स्टेटमेंट आया प्रिंट एफ ए, यानी क्या प्रिंट हो गया ए। फिर आपने क्या किया फंक्शन एफ को कॉल किया। तो हमने बताया था जैसे ही फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अब क्या होगा मेन से बाहर आके इस फंक्शन की डेफिनेशन पे आ जाएगा। इस फंक्शन की डेफिनेशन पे आएगा तो अंदर आए, अंदर आपने क्या लिखा प्रिंट एफ ई। ठीक है, प्रिंट एफ ई का मतलब क्या प्रिंट हो गया ई। इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई एंड हो गई। फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होने का मतलब है ओपन कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन की डेफिनेशन एंड होने का मतलब है क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस। जब इस फंक्शन की डेफिनेशन एंड हो जाएगी मीन्स इस फंक्शन की बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट हैं सारे के सारे स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो अब आपका एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, उस फंक्शन पे जाएगा जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो फंक्शन एफ हमने कहाँ कॉल किया था, मेन फंक्शन के अंदर। तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर, कौन से जहाँ पे कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पे। अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होता तो उसी लाइन में जाता और वैल्यू किसको मिल जाती,
वेरिएबल को मिल जाती है। लेकिन अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ जाता है, जहाँ पे आपने इसको कॉल किया था उसके नेक्स्ट लाइन पे। तो अब क्या प्रिंट होगा, पी। फिर आपने क्या करा, जी को कॉल किया। जैसे ही आप जी को कॉल करेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, मेन से बाहर होके जी की डेफिनेशन में। तो जी की डेफिनेशन में गए, यहाँ पे क्या लिखा था, प्रिंट एफ डी। क्या प्रिंट हो जाएगा, डी। जी की डेफिनेशन एंड हो गई, एंड हो गई तो वापस कहाँ जाएगा, मेन में जहाँ कॉल हुआ था। कॉल कहाँ हुआ था, ये मेन में, मेन में जाएगा कहाँ पर, कॉल होने के नेक्स्ट लाइन पे। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सी। तो ये है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, मतलब जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे चेंज होता है। मीन्स जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे आप कहाँ जाओगे, उस फंक्शन की डेफिनेशन में, जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है। जब उस फंक्शन की डेफिनेशन एंड होगी तो आप वापस आएंगे उस फंक्शन में जहाँ पे आपने इस फंक्शन को कॉल किया था, उसकी नेक्स्ट लाइन में, अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसी लाइन में रहेंगे जहाँ पर आपने कॉल किया था, तो रिटर्न वैल्यू किसको चली जाएगी, उस वेरिएबल को जिसमें आप रिटर्न वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन। और ये उस स्टेटमेंट मैंने बोला था कि जिस ऑर्डर में आपने उसको डिक्लेयर किया, जैसे डिक्लेयर क्या किया है, पहले एफ़ को फिर जी को, कॉल क्या किया है, पहले एफ़ को और फिर जी को, लेकिन जब आपने डिफाइन किया तो आपने किसको डिफाइन किया, पहले जी को देन एफ़ को। ज़रूरी नहीं कि पहले आपको एफ़ ही डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड और कॉल्ड इनसाइड अनदर फंक्शन बट इट कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। कहने का मतलब है किसी भी फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसको दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये एग्जांपल मैंने से इस चीज़ को समझाऊंगा। आपने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिया f, आपने यहाँ पे उसको क्या कर रखा है, डिक्लेयर्ड। कैसे पहचानना है डिक्लेयर्ड और कॉलिंग में फ़र्क, डिक्लेयर में डेटा टाइप रिटर्न टाइप होता है, कॉलिंग में रिटर्न टाइप नहीं होता। ये क्या हो गया, फंक्शन की कॉलिंग हो गई, और ये चीज़ क्या हो गई, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो देखो आपने क्या करा, एक फंक्शन f कहाँ डिफाइन किया, इनसाइड मेन फंक्शन, और उस फंक्शन को कॉल किया कहाँ, इनसाइड मेन फंक्शन। तो हमने क्या कहा, एनी फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड और कॉल्ड इनसाइड अनदर फंक्शन बट इट कैन नॉट बी डिफाइंड। देखो उसके अंदर डिफाइन नहीं किया है, कहाँ डिफाइन किया है वर्ड एफ को हमने, जब मेन की डेफिनेशन एंड हुई है उसके बाद ही एफ की डेफिनेशन स्टार्ट हुई है। अगर गलती से आप ये कर देते, यहाँ पे लिखते void main, ठीक है, आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया void f, आपने फंक्शन को कॉल किया और आपने इस मेन के अंदर ही void f लिख के उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। f की डेफिनेशन एंड करी, मेन की डेफिनेशन आपने एंड करी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फंक्शन एफ को डिक्लेयर कर रहे हो, कॉल कर रहे हो और डिफाइन कर रहे हो इनसाइड मेन फंक्शन। इट इज़ रॉन्ग। डिक्लेयर हो सकता है, कॉलिंग हो सकती है, लेकिन डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो ये मतलब है कि एक फंक्शन की डेफिनेशन एंड होगी देन दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, कोई एक प्रोग्राम हम लेंगे और उसको हम उन चारों मेथड से बनाएंगे। चारों मेथड मीन्स नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, पैरामीटर बट नो रिटर्न वैल्यू, नो पैरामीटर बट रिटर्न वैल्यू, एंड पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। उसको चारों मेथड से हम बना के देखेंगे कैसे हम बनाएंगे। थैंक यू।